कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ जुड़ गया हूँ लोहे बाजार की जानकारी के साथ। लोहे बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, जिसके अंतर्गत मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट के भाव, एमएस स्क्रैप के भाव की जानकारी, साथ ही कास्ट आयरन के भाव, एचआरसी सीआरसी क्वाइल रायपुर सरिया में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी विस्तार से देंगे। और साथ ही साथ मेटल बाजार की भी आपको जानकारी देंगे, मेटल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है वो भी जानकारी आपको इसी वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ बाजार में नजर आ रहा है, मार्केट के ट्रेंड, मार्केट के में किस तरीके से व्यू है, उस सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देते हैं। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज रहा। तो अगर बात करेंगे मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट पर, लगातार आप देख रहे हैं बाजारों में एक रेंज बाउंड, एक दायरे में ही कामकाज चल रहा है बाजार में। आप देख रहे हैं इलेक्शन के कारण बाजारों में प्रॉपर वे में कैश का आवागमन न होने के कारण बाजार एक रेंज बाउंड, एक दायरे में चल रहा है। लेकिन काफ़ी दिनों बाद आपने देखा कल बाजारों में 100 रुपये पर टन की, बाजारों में अगर जो लगातार जो टूट रहा था इसमें 100 रुपये पर टन की बढ़त के साथ कामकाज हुआ, बाजार 46,500 रुपये हो गया। एमएस स्क्रैप की अगर बात करेंगे तो 35,400 रुपये, इसमें भी 100 रुपये पर टन की बढ़त देखी गई। यह जो हमने आपको भाव बताए बेसिक रेट है, इस पर 18% जीएसटी लोडिंग और लोडिंग का चार्जेस प्लस डायर डिफरेंस का चार्जेस आपको अलग से देना होता है। एमएस सिंगल टोल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट 11,100 रुपये रहा। कास्ट आयरन की अगर हम स्थिति की बात करेंगे तो मंडी गोविंदगढ़ टोका का बाजार 38,900 रुपये, इम्पोर्टेड का बाजार 39,900 रुपये पर कामकाज रहा। बाजारों में आप देख के चल सकते हैं कि कास्ट आयरन में मंडी गोविंदगढ़ में लगातार जो इंगट पे गिरावट आई है उसका असर यहाँ पर देखने को मिला। विदेशी बाजारों की अगर हम बात करेंगे तो विदेशी बाजारों में आज कोई खास संकेत बाजारों में नहीं मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर घरेलू बाजारों में देखा जाए तो घरेलू बाजारों में जैसे जैसे इलेक्शन का रिजल्ट का समय पास आ रहा है उसके बाद आप देखेंगे कि बाजारों में एक जबरदस्त बाजारों में आप एक मूवमेंट देखने के लिए आपको मिलेगा, आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको अगर जानना है तो मॉर्निंग हमारा 9:30 का शो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 9:30 के शो में बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड व्यू आउटलुक सारी जानकारी आपको विस्तार से यहाँ पर दी जाती है। किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करेंगे, मार्केट की रणनीति यहाँ पर आपको सारी देने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। उसके आधार पर आप अपनी रणनीति बना सकते हैं और मार्केट के हिसाब से बाजारों में आप कामकाज करके चल सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि बाजारों में क्या स्थिति बाजारों में होती हुई बाजारों में दिखाई दी है, अब बात कर लेते हैं एचआरसी सीआरसी क्वाइल में। तो लुधियाना एचआरसी क्वाइल का बाजार 54,400 रुपये, सीआरसी क्वाइल का बाजार 60,300 रुपये रहा। गाजियाबाद एचआरसी क्वाइल का बाजार 54,000 रुपये, सीआरसी सीट का बाजार 60,000 रुपये। एचआरसी सीट की अगर कोलकाता एचआरसी सीट की अगर बात करें तो 53,100 रुपये का भाव और सीआरसी सीट का बाजार 58,500 रुपये पर कामकाज होता हुआ आपने देखा कि बाजारों में नजर आ रहा है। तो बाजार में आप देख के चल सकते हैं कि जो बाजारों में स्थिति है एचआरसी सीआरसी क्वाइल में, बाजारों में स्थिरता देखी गई है, बहुत ज़्यादा बढ़त फिलहाल के लिए नहीं देखी गई। विदेशी बाजारों से आज कोई खास संकेत नहीं है लेकिन घरेलू बाजारों में कुछ डिमांड निकलने की संभावना दिखाई दे रही है, तो उसका इम्पैक्ट आपको बाजारों में दिखाई देगा और यहाँ से बाजारों में ऊपर की तरफ कामकाज होता हुआ दिखाई दे के चल सकता है। बात करेंगे रायपुर एचबी वायर की क्या स्थिति है, रायपुर एचबी वायर में किस तरीके से कामकाज हो रहा है। तो रायपुर एचबी वायर की अगर हम चर्चा करेंगे तो रायपुर एचबी वायर का बाजार 50,200 रुपये लगातार ऊपरी स्तर से दबाव के साथ ही बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। जीआई वायर का बाजार 54,400 रुपये हो गया, जीआई वायर का बाजार अगर देखेंगे तो 54,400 रुपये, और एक सेकेंड का समय दीजिएगा, जीआई वायर का 54,400 रुपये, एमएस पाइप पे गोविंदगढ़ पाइप का बाजार 48,200 रुपये, रायपुर पाइप का बाजार 47,500 रुपये पे कामकाज होता हुआ आपने बाजारों में यहाँ पर दिखाई दिया है। तो उसके आधार पे आप देख रहे हैं कि बाजारों में किस तरीके से बाजारों में कामकाज आपने देखा है कि बाजारों में जो कामकाज देखा गया, जो कामकाज बाजारों में आपने देखा कि बाजारों में गिरावट रही और गिरावट के साथ ही बाजारों में एक दबाव के साथ कामकाज देखा गया। अब बात करेंगे कुछ मंडियों के टीएमटी के क्या भाव रहे, कुछ मंडियों की अगर हम टीएमटी की चर्चा कर लेते हैं तो टीएमटी मंडी गोविंदगढ़ में टीएमटी का बाजार 51,100 रुपये हो गया। दुर्गापुर की अगर हम बात करेंगे तो 47,000 रुपये, इंदौर का बाजार 53,000 रुपये पर कामकाज रहा, जबकि रायपुर की अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो रायपुर का बाजार 47,400 रुपये, जयपुर का बाजार 49,500 रुपये, मुजफ्फरनगर का बाजार टीएमटी का 49,200 रुपये, भावनगर का टीएमटी 51,500 रुपये, गाजियाबाद का बाजार 50,600 रुपये, जलना टीएमटी 51,400 रुपये,
पटना टीएमटी 48,700 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। तो सभी टीएमटी के बाजारों में भी आप देखेंगे कि लगातार आप बाजार में दबाव के साथ ही बाजार में कामकाज होता हुआ बाजार में आपको दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं कुछ मंडियों में स्पॉन्ज आयरन की क्या स्थिति है। स्पॉन्ज आयरन की अगर बात करेंगे तो मंडी गोविंदगंज स्पॉन्ज आयरन 34,300 रुपए, जो 35,700 रुपए चला गया था वहां से दबाव देखा गया। दुर्गापुर का बाजार 30,300 रुपए रहा, रायगढ़ का बाजार 30,200 रुपए, सॉरी रायपुर का बाजार 33,200 रुपए, राउरकेला का बाजार 29,900 रुपए पे कामकाज देखा गया। अब बात कर लेते हैं मंडी गोविंदगढ़ में आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो मंडी गोविंदगढ़ में आज का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 46,000 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 47,000 रुपए है। पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 35,000 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 35,900 रुपए बाजारों में देखा जा रहा है। अब बात करते हैं कुछ जगह में मेटल के बाजारों में क्या स्थिति है, मेटल में किस तरीके से कामकाज हो रहा है। अगर हम मेटल के बाजारों की चर्चा करें तो मेटल बाजारों में निचले स्तर से एक जबरदस्त तेजी के साथ कामकाज हो रहा है। कॉपर का बाजार जो 880 का लो लगाया वहां से आपने देखा एक बाउंस बैक, 910 रुपए तक कॉपर का बाजार देखने के लिए आपको मिला। एल्युमिनियम में लगातार बाजारों में 248 रुपए 15 पैसे तेजी के साथ कामकाज हो रहा है, जबकि लेड का बाजार 196 रुपए हो गया, जिंक का बाजार 279 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो बाजारों में एक अच्छी बढ़त के साथ बाजारों में कामकाज मेटल बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। कॉपर, एल्युमिनियम, लेड, जिंक जो फिजिकल बाजार है वहां पर भी एक जोरदार तेजी देखी जा रही है। इससे पहले आपको बता देते हैं कि आप हमको चाहे YouTube पे देख रहे हो चाहे Facebook पे देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि इसी तरीके का रेगुलर कंटेंट अगर आप चाहते हैं तो आपको फ्री इसी तरीके से जानकारी मिलती रहेगी। तो आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, तो इसी तरीके का रेगुलर कंटेंट आपको मिलता रहेगा। आप बात करेंगे सोने चांदी की। सोने में अगर बात करें तो 72,463 रुपये, आज भी 77 रुपये बढ़ के सोने में कामकाज देखा गया। सिल्वर का बाजार 95,738 रुपये, 249 रुपये की बढ़त के साथ कामकाज हुआ। 96,000 रुपये के ऊपर बाजार अगर चलता है तो बाजारों में एक बार फिर 1,00,000 रुपये तक की बाजारों में सिल्वर में जगह खुलती हुई दिखाई दे रही है। 1,00,000 रुपये सिल्वर ऊपर में टॉप के लेवल पर आपको बाजारों में दिखाई देकर चल सकती है। जिस हिसाब से बाजारों में स्ट्रेंथ बनी हुई है उसके हिसाब से आप बाजारों में 1,00,000 रुपये तक आप बाजारों में सिल्वर देख के चल सकते हैं। लेकिन बाजारों में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहेगी तो इसके हिसाब से आपको जो भी खरीदारी करनी है तो नीचे में एक सपोर्ट के हिसाब से आप लगा करेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये भी जानकारी आपको दे दी। क्रूड ऑयल 6,400 रुपये पे ऑलरेडी बताया था, वहाँ से 6,700 रुपये हो गया है, तो एक बार मुनाफा वसूली करते हुए चलिए। और आपको बता देते हैं किसी भी प्रकार की रेट्स की जानकारी के लिए एबी लाइव का ऐप, ऑथेंटिकेट बिल्कुल एक्यूरेट रेट के लिए आपको जानकारी जाननी है तो एबी लाइव का ऐप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा। एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर अवेलेबल है, फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है, सारी आपको वहां पर प्रॉपर जानकारी मिलेगी। आप उसको भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो अभी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारी जानकारी हमने आपको दे दी है, आशा करते हैं जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। इसी तरीके की रेगुलर जानकारी के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज़ मार्केट 24। आज बात करेंगे मेटल बाजार के बारे में, आज जानेंगे क्या बाजारों में कारोबार देखा जा रहा है, दिल्ली मुंबई के फिजिकल मार्केट में आज क्या रेट चल रहा है, किस तरह का उतार चढ़ाव ट्रेंड बाजारों में आज देख कर चल सकते हैं। मार्केट में आपको इस बारे में विस्तार से बताएंगे, एलएमएमसीएस के बारे में आपको, रेट के बारे में बताएंगे, ट्रेंड के बारे में बताएंगे, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो मेटल के मार्केट के बारे में बात करते हैं। मेटल के बाजार में जो फिजिकल बाजार है यहाँ पर बेस मेटल जैसे कॉपर में आपको अच्छी तेजी आज के दिन बाजारों में देखने को मिल सकती है। 6 से 7 रुपए तक पर किलोग्राम के हिसाब से कॉपर का जो मार्केट है वो बढ़ा है। एल्युमिनियम का बाजार तेज है, लेड और जिंक के मार्केट में तेजी दर्ज करी गई है। रेट के बारे में अगर बात करते हैं, एल्युमिनियम में रेट 10,564 देखा जा रहा है, कॉपर में 911.70 रुपए एमसीएस का रेट है, एल्युमिनियम के बाजार में 2,749 रुपए का रेट, एल्युमिनियम में 248 रुपए 5 पैसे का रेट एमसीएस में है, लेड के बाजार में 2,345 रुपए का रेट, एल्युमिनियम में 195.85 रुपए तक का एमसीएस में रेट चल रहा है। जिंक के मार्केट में 3,145 रुपए तक का एल्युमिनियम में रेट है, 279 रुपए तक का रेट एमसीएक्स में है। सोने के मार्केट में 2,360 रुपए 80 पैसे का रेट, कॉमेक्स में 72,325 रुपए तक का एमसीएक्स में रेट देखा जा रहा है। चांदी बाजार में 32,41 रुपए का रेट कॉमेक्स में है, 96,129 रुपए तक का एमसीएक्स में रेट देखा जा रहा है। क्रूड ऑयल में 80.12 रुपए तक का रेट कॉमेक्स में, 6,678 रुपए तक का एमसीएक्स में रेट आप देख कर चल सकते हैं। दिल्ली के बाजार के बारे में अगर बात करते हैं इसके बाद, तो दिल्ली के मार्केट में अच्छी तेजी दर्ज करी गई है। कॉपर केबल स्क्रेप में 894 रुपए का रेट है, कॉपर आर्मेचर कीमतें 882 है, एल्युमिनियम पुर्जे में रेट 188 है, एल्युमिनियम बर्तन में आज कीमतें 194 है, जिंक के बाजार में जिंक हिंदुस्तान में कीमत 288 है, लेड का रेट 191 है, एलआईबीटी में 210 रुपए तक का रेट देखा जा रहा है। बैटरी स्क्रेप में आज कीमतें 103/123 चल रही है, निकिल का जो आज का रेट है वो 1725 रुपए
रहा है। टिनागे में आज की कीमतें 3265 है, पीतल का रेट 558 है, एसएस बर्तन स्क्रैप में 64 रुपए तक आप बाजार में आज के दिन रेट देखकर चल सकते हैं। दिल्ली के बाजार में फिजिकल जो स्पॉट मार्केट है यहाँ अच्छी आपको बढ़त देखने को मिल सकती है, बहुत गिरावट नहीं है, रेट काफी अच्छे चल रहे हैं। मुंबई के मार्केट के बारे में खबरों में आगे बात करेंगे कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है मुंबई के बाजार में आपको बताएंगे, मगर उससे पहले अगर आपको मेटल बाजार संबंधित मार्केट उतार चढ़ाव तेजी मंदी ट्रेंड की जानकारी जाननी है, मार्केट प्रेडिक्शन अगर आपको जानना है तो आप हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग होने वाला 9:30 लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें बाजार खुलने से पहले एक्सपर्ट द्वारा पूरी इन्फॉर्मेशन बाजार के बारे में दी जाती है कि कैसे कारोबार देखा जाएगा, आपको कैसे कारोबार करना चाहिए। तो इससे जुड़ी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी व्हाट्सएप या कॉल करके हमारा मॉर्निंग का 9:30 का लाइव सेशन जो है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है मेटल के मार्केट के बारे में। तो मेटल के बाजारों में जो आज कीमतें चल रही हैं उसमें कॉपर केबल स्क्रैप में रेट 880 है, कॉपर आमेचर में रेट 854 है, ब्रास स्क्रैप का आज का रेट 555 है, एल्युमिनियम के मार्केट में 185 रुपए तक का रेट है, जिंक के बाजार में 279 रुपए तक की कीमतें देखी जा रही हैं, लेड का रेट 196 है, टिन इंगट में आज कीमतें 3175 देखी जा रही है, निकल का आज का रेट 1725 है। और मार्केट में ओवरऑल जो आज का ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है। ट्रेडिंग रेंज की बात में अगर बात करते हैं, सपोर्ट का अच्छा लेवल कॉपर में 873, रेजिस्टेंस लेवल 885 है, लेड के बाजार में 190 रुपए का सपोर्ट अच्छा है, रेजिस्टेंस लेवल 192 है, जिंक के मार्केट में 282 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल 290 है, निकल के बाजार में 1705 रुपए का सपोर्ट का लेवल अच्छा है, रेजिस्टेंस लेवल 1785 आप निकल में देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल आज में ट्रेंड आपको बाजारों में पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा, रेट काफी अच्छा है, ट्रेंड काफी अच्छा है, खरीदारी करने के लिए आप जरूरत के हिसाब से एक अच्छे सपोर्ट के आसपास आप गिरावट पर खरीदारी तो करके चल ही सकते हैं। और क्योंकि मंथ एंड चल रहा है, एक्सपायरी चल रही है, तो बाजार में हम आपको यहां से ऊपर स्तर पे अपना प्रॉफिट बुक करने की सलाह फिलहाल जरूर देंगे। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे लोहे बाजार के बारे में, अभी जानेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। डीएमटी सरिये का जो मार्केट है यहाँ पर ब्रांडेड कंपनियों में आज क्या कीमतें चल रही है आपको विस्तार से बारे में बताएंगे, इसका वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इंगट के बाजार में आज सुबह से अभी तक अगर देखते हैं तो 200 से लेकर 300 रुपए तक की बाजारों में दोबारा से रिकवरी आई है, सुधार दर्ज किया गया है। इस हफ्ते की शुरुआत के साथ गिरावट के साथ कामकाज देखा जा रहा था एमएस इंगट में, और मार्केट में सोमवार के दिन भी 100 से 200 रुपए तक बाजार में गिरावट थी, और कल के दिन भी ऑलमोस्ट 46,000 का लेवल एमएस इंगट का बाजार टच करने वाला था। अभी के बारे में अगर बात करते हैं तो अभी बाजारों में उस गिरावट पर विराम लगा है और मार्केट में दोबारा से सुधार दर्ज किया गया है, जिसकी वजह से टीएमटी सरिये में भी सुधार है। रेट के बारे में अगर बात करी जाए तो रेट में भारतम कंपनी में जो आज का रेट देखा जा रहा है वो 51,600 है, कामधेनु कंपनी में कीमतें 59,201 है, K2 कंपनी का रेट 58,331 है, ज्योति कंपनी में आज कीमतें 58,812 है, फॉर्चून कंपनी का आज का रेट 59,999 चल रहा है, प्रबल कंपनी में कीमतें 58,201 है, द्वावर कंपनी का आज का रेट 64,000 है, दीपक कंपनी में कीमतें आज की 51,300 चल रही है, अंबा कंपनी का आज का रेट 56,100 है, जवाहर कंपनी में आज कीमतें 53,300 रुपए देखी जा रही हैं, शेर पंजाब में आज कंपनी का रेट 59,211 रुपए आपको यहां से बाजारों में देखने को मिल सकता है, जिंदल कंपनी में आज कीमतें 52,000 देखी जा रही हैं। इसके अलावा इंगट के बाजार के बारे में बात करते हैं तो इंगट के मार्केट में बाजारों में 46,800 रुपए तक का रेट देखा जा रहा है, जहाँ 300 रुपए बढ़े हैं, और एमएस स्क्रैप में आज कीमतें 35,700 रुपए आप बाजार में देखकर जा सकते हैं। ओवरऑल आज बाजारों में सुधार आया है, रिकवरी दर्ज करी गई है, सिर्फ इंगट के बाजार में नहीं, टीएमटी सूत के बाजार में ही नहीं, बल्कि होलसेल में टीएमटी सूत में भी रिकवरी आई है। रेट के बारे में अगर बात करी जाए टीएमटी सूत में तो जिंदल ब्रांड में 206 एमएम टीएमटी में आज कीमतें 62,000 है, 250 8 एमएम टीएमटी का रेट 62,000 है, 300 10 एमएम टीएमटी में आज कीमतें 60,080 पर किलोग्राम है, 412 एमएम टीएमटी का आज का रेट 58,40 पर किलोग्राम चल रहा है, 516 एमएम टीएमटी में आज कीमतें 59,60 पर किलोग्राम चल रही है, 620 एमएम टीएमटी का रेट 59,60 पर किलोग्राम है, 825 एमएम टीएमटी में 59,60 पर किलोग्राम तक का बाजारों में यहाँ से आप रेट देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल जो आज ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है, बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी गई है, मार्केट में रेट काफी अच्छा है, रिटेल इन्वेस्टर है अगर आप तो 3-4 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से टीएमटी सूत आपको बाजारों में यहाँ से महंगा भी मिल सकता है। हमें आपको वीडियो में सिर्फ मार्केट में ट्रेंड के बारे में बताया है, लेकिन अगर आपको आगे आने वाले टाइम में मार्केट प्रेडिक्शन तेजी मंदी के बारे में और जानना है तो आप हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग होने वाला 9:30 लाइव सेशन जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप पर कॉल करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे बुलेट के बाजार के बारे में, हम बात करेंगे कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है होलसेल के मार्केट में। बुलेट में तो आज
200 से लेकर 300 रुपए तक की बाजारों में बढ़त दर्ज करी गई है इंगट के बाजार में। और बिलेट का जो बाजार है, होलसेल का मार्केट है, यहाँ पर भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। जो रेट चल रहे हैं उसके बारे में अगर बात करी जाए तो मंडी गोविंदगढ़ में आज कीमतें 46,800 देखी जा रही है। बिलेट में दुर्गापुर में आज का रेट 43,700 है। रायगढ़ में कीमतें आज की 43,600 चल रही है। रायपुर का आज का रेट 44,700। जयपुर में कीमतें आज की 46,100 है। कोलकाता का आज का रेट 44,300 रुपए देखा जा रहा है। मुजफ्फरनगर में कीमतें आज के बिलेट की 46,100 चल रही है। मुंबई में आज का रेट 46,700 है। गाजियाबाद में कीमतें आज के बिलेट की 46,000 है। लुधियाना का आज का रेट 46,800 चल रहा है। इंगट और स्क्रैप के बाजार के बारे में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर भी बाजारों में अच्छी तेजी के साथ कारोबार देखा जा रहा है। 46,800 रुपए तक का एमएस इंगट में रेट है, जहाँ 300 रुपए तक की बढ़त दर्ज करी गई है। और एमएस स्क्रैप में आज की कीमतें 35,700 रुपए चल रही हैं। ओवरऑल ट्रेंड भी पॉजिटिव है। होलसेल के मार्केट में भी तेजी है। नए लोहे में जो आज का होलसेल का रेट है वो 49 रुपए पर किलोग्राम है। पुराने लोहे में आज की कीमतें 29 रुपए पर कामकाज पुराने लोहे में चल रहा है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। रिटेल इन्वेस्टर हैं अगर आप तो बाजारों में ये एक अच्छा टाइम है। बाजारों में आप एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए जरूरत के हिसाब से गिरावट पर लोहे के मार्केट में खरीदारी जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।